जनपद बदौ के थाना बिनावर क्षेत्र के ग्राम रहमा के मुराब कोटिया में इसाक नाम के युवक की हत्या से गांव में मचा हड़कंप। इसाक की लाश खेत में मिलने से ग्रामीणों ने सूचना दी थाना पुलिस को। बिनावर थाना क्षेत्र के गांव रहमा के मुराब गोटिया निवासी इसाक उम्र 40 वर्ष पुत्र अबरार अली की संदिग्ध परिस्थितियां में देर रात मारपीट कर गला दबाकर हत्या कर दी गई और सबको एक गठरी में बांधकर गांव के बाहर एक खेत में फेंक दिया। सुबह होने पर ग्रामीणों को खेत में गठरी में दिखाई दी। उसे खोलकर देखा तो गठरी में लहूलुहान इसाक नाम के एक व्यक्ति की लाश थी। आनन फानन में ग्रामीणों ने पहले इसकी सूचना मृतक के घर और थाने को दी। घटना के सूचना पर गांव में हड़कंप मच गया और पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने सब को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक के परिजनों के अनुसार शुक्रवार देर रात इसाक घर से उठकर कहीं चला गया था जिसका किसी को कुछ पता। रात करीबन 11 बजे मृतक की पत्नी के जागने पर देखा मेन गेट का दरवाजा खुला हुआ था। इसाक घर पर नहीं था। इसाक को तलाश किया गया पर पता नहीं लगा और शनिवार सुबह गांव से बाहर खेत में उसकी लाश मिली। हत्या की मृतक की इसाक की पत्नी साबजाना ने गांव के ही एक महिला सहित 4 लोगों के खिलाफ तहरीर थाना पुलिस को दी है, जिसमें बादी महिला ने अपने पति और आरोपियों की गहरी दोस्ती बताई है। इसी आधार पर थाना पुलिस ने एक महिला सहित 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। महिला से मृतक के अवैध संबंध चल रहे थे, इसी को लेकर महिला के परिजनों ने बीती रात मृतक को घर रात किसी बहाने से फोन करके घर पर बुलाया, जहां घर में ही हत्या करके लाश को एक गठरी में बांधकर गांव रहमा के पश्चिमी दिशा में मुन्ने अली का खाली खेत पड़ा था जिसमें मृतक की लाश को डाल दिया गया। इस संबंध में बिनावर थाना अध्यक्ष रवि करण ने बताया मृतक इंसाक की पत्नी शाहनवाज जाना की तहरीर पर हत्या का मुकदमा लिख दिया गया है। हत्या की जांच की जा रही है, जल्द भी इसकी खुलासा कर दी जाएगी। जनपद बदायूं के बिनावर थाना अंतर्गत मुराब गोटिया गांव में इशाक, जिनकी उम्र लगभग 38-40 साल है, इनकी डेड बॉडी गांव के ही परिसर में बाहर एक खेत में आज प्रातः मिली थी। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर आई, मौके का परीक्षण किया गया, पाया गया कि इनकी हत्या शॉल या किसी अन्य साधन से गला घोंट करके की गई है। परिजनों ने अवैध संबंधों के चलते कुछ लोगों को पे शक जाहिर किया है, जिनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इसमें परिजनों की तहरीर पे थाना बिनावर में अभियोग पंजीकृत करके